मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर 13 अर्थ एंड इट्स सोलर सिस्टम। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर 13 जो ज्योग्राफी का है, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। चलिए इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। इसमें किस किस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे? सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देंगे अर्थ के बारे में और बाकी सब सोलर सिस्टम के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 13, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द यूनिवर्स इज बाउंडलेस एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट एटसेट्रा एग्जिस्ट। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू बी बर्थ रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। According to this theory, in the beginning, all matter substances like gas, dust particle, all element was contained in a huge big burning ball of fire, which later exploded with a big bang. Matter from it was thrown out with great force in all directions. From this matter, many group of stars are formed, which are called galaxy. इसका मतलब है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ, मतलब वो यूनिवर्स जब बनना था, सबसे जो मानने जाने वाली थ्योरी है जब बना था यूनिवर्स, उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या होता, जो यूनिवर्स है ना हमारा इतना बड़ा, उसमें ना क्या क्या चीजें हैं, मैटर, स्टार मतलब तारे, प्लैनेट्स मतलब जैसे कि अर्थ, यूरेनस, नेपट्यून, मरकरी, वीनस एटसेट्रा, जो भी हैं, 8 है हमारे प्लैनेट्स, ओके, और सैटेलाइट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये बिगनिंग में ये सब मैटर जैसे कि गैसेस, डस्ट पार्टिकल, एलिमेंट, ये एक बॉल मतलब गरम गरम बॉल में, एक बॉल में थे। ये ग्रेट फोर्स से वो हुआ, मतलब कुछ हुआ, ग्रेट फोर्स से डायरेक्शन चेंज की, फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोर हुआ, ठीक है, फिर एक बन गई गैलेक्सी, एक चीज बन गई, उससे हम कहते हैं गैलेक्सी, ओके। मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी वर क्रिएटेड बाय द सन belong to a galaxy called Milky Way, आकाश गंगा in Hindi। हम अपनी गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ओके, हम अपनी गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा in Hindi। The nearest galaxy to the Milky Way is Andromeda। जैसे कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, सबसे नियर गैलेक्सी है हमारे सबसे पास, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है एंड्रोमेडा। लेट अस नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई। दिस ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी। जैसे हम देखते हैं आकाश में, बादल में, मतलब आकाश में, इससे हम कहते हैं हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल। चलिए अब हम स्टार शुरू करते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। चलिए स्टार पढ़ना शुरू करते हैं। एन हेवनली बॉडी दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट कॉल्ड स्टार। स्टार जब अपनी खुद, मतलब हेवनली बॉडी है, स्टार्स की डेफिनेशन क्या है, एन हेवनली बॉडी दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार। मतलब स्टार की हो गई ये डेफिनेशन, मतलब ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे ऐसे तो सन है, वो भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो भी स्टार होना चाहिए। मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, जो स्टार है वो, मान जो सन है वो भी स्टार है, पर जरूरी नहीं है कि हर स्टार ही शाइन करे, क्योंकि आपने देखा होगा वो नेचुरल तो अधिकतर शायद से स्टार ही है, मतलब मेनली स्टार ही गिना जाता है नेचुरल में।
जैसे कि सन. ओके, स्टार आर बर्निंग बॉडी ऑफ गैसेस दैट प्रोड्यूस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. द सन इज अ स्टार. सन इज अ स्टार, जैसे कि मैंने बताया सन भी एक स्टार है. एंड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम आर अल्फा एंड प्रो एक्जिमा सेंचुरी. ये जो दोनों स्टार हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास हैं, विच आर ओनली अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सन. ये जो सन है उससे 4.3 मिलियन है, शायद से मिलियन है ना, सॉरी लाइट ईयर अवे, LIGHT YEAR अवे, सिर्फ इतना ही दूर है, 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सन, सन से पर. चलिए अब आप ये देखिए, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो सन है, जैसे कि इस फोटो में सन दिखा रखा है, ये सन, जैसे कि सन और अर्थ में डिस्टेंस तो है, बहुत डिस्टेंस, 15, मैं आपको बता दूं 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है. तो आप समझते होंगे लाइट पहुंचने में बहुत टाइम लग जाती होगी, नहीं, लाइट पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड, सिर्फ इतना ही टाइम लगता है, और अर्थ तक लाइट तुरंत पहुंच जाती है, सिर्फ इतना ही टाइम लेता है. ओके, अब हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने बता दिया, सम स्टार टुगेदर मेक अ रिकंजेबल पैटर्न इन द स्काई विच इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. आपने शायद कॉन्स्टिलेशन नहीं पढ़ा हो, पर मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिलेशन होता क्या है. कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप, मतलब स्टार है, आपने स्टार तो देखते ही है, आप शायद जानते होंगे, अगर स्टार का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. जैसे कि आपने ये देखा है, मैंने ये बना दिया, आप जानते हैं क्या है, जानते हैं? ये है जिसे आप बोलते होंगे सप्तऋषि हिंदी में, मतलब ग्रुप स्टार कुछ फॉर्म कर देता है, कोई पैटर्न फॉर्म कर देता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. जैसे कि आपने ये कॉन्स्टिलेशन देख लिया, और इसमें एक और कॉन्स्टिलेशन दिखाया है, चलिए हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में. सम ऑफ द प्रोमिनेंट एंड इजी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन आर द ग्रेट बियर, ऑल्सो नोन एज उज़रा मेजर, लिटिल बियर और उज़रा माइनर, ओरियन द हंटर एंड स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन. ये जो चार हैं, ये वाले चार जो हैं वो आपको अधिकतर दिखने में मतलब आपको अधिकतर दिख जाएंगे, रात को अगर देखने जाएंगे तो आपको ये दिख जाएंगे. हम ग्रेट बियर को और क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेट बियर इज ऑल्सो नोन एज उज़रा मेजर, लिटिल बियर इज ऑल्सो नोन एज उज़रा माइनर, ठीक है. पर इन दोनों का नाम तो शायद यही है, ओरियन द हंटर और स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन ही है. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगली वीडियो में सोलर सिस्टम सन प्लैनेट्स और प्लैनेट्स पूरा कर लेंगे, और एस्ट्रॉयड मेट्रोइड ये भी पढ़ लेंगे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि वो सबसे मेन होगी इस चैप्टर के सेंटर पॉइंट. और लास्ट वीडियो में तो आप ये पढ़ ही लेंगे, क्योंकि ये तो सबसे ईजी है लास्ट वाला, पर इसमें भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है. मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, थैंक यू. और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए.